बाग 20 सीरीज स्मार्टफोन्स। भारत के अंदर डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाने की ठानी है, उसका मुखौटा है ईडी। ईडी कैरी करता है जो मोदी जी चाहते हैं, जो भाजपा चाहती है। तो जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने अपने वक्तव्यों से आज धज्जियां उड़ाई है ईडी के केस की, ये अपने आप में देखने लायक थी। आज दूध का दूध पानी का पानी होगा। इस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री ने खुद अपने वक्तव्यों के माध्यम से ये बता दिया कि ईडी के पास कोई केस नहीं है, ईडी ने फर्जी केस कर रखा है, मोदी जी और भाजपा का मुखौटा बना हुआ है ईडी, और इस प्रकार से भारत के डेमोक्रेसी को खतरा हो गया है। आज चार दिन की उनको रिमांड फिर मिली है, 1 तारीख को उनकी पेशी दोबारा होगी, लेकिन सब कुछ सामने आ गया और हिंदुस्तान उबाल में है, हिंदुस्तान गुस्से में है, जनता आक्रोशित है कि जनता का हीरो अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने पॉलिटिक्स को पहली बार जनता के फायदे के लिए उपयोग में लाए, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, पानी हो, आज पूरे देश में, दिल्ली हो, देश हो, हर तरफ एक ही माहौल है। केजरीवाल जी को जिसने अरेस्ट किया है, केजरीवाल जी को जिसने गिरफ्तार किया है, उसको जनता 2024 चुनाव में धरती पर पटकेगी, समझाएगी, बुझाएगी किस प्रकार से तुमने गलती की। लेकिन सर, ईडी का बार बार ये कहना था कि सीएम हो या कोई मामूली नागरिक, उनके लिए जो लॉ है वो एकदम सेम रहता है, और हमेशा जो है इस तरीके की दलील नहीं दी जाती। कन्विक्शन की जो बात की गई वो तो अभी स्टेज ही नहीं आई है कन्विक्शन की। तो ये जो खुल्लम खुल्ला आ गया कि ईडी के रेड के बाद 55 करोड़ रुपया जो रेड्डी ने दिया, इस पे कब एक्शन होगा? भाजपा के नेता कब अरेस्ट होंगे? मोदी जी कब जेल जाएंगे? इन पे कब एक्शन होगा? आज तो पूरे कोर्ट के सामने ये बात मतलब जग जाहिर हो गया कि कोर्ट के को एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर। हजारों 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 करोड़ का जो ईडी को मिसयूज करके अपने एक तरह से ब्राइब लिया है भाजपा ने, इस पे एक्शन कब होगा? सवाल पूरा हिंदुस्तान पूछ रहा है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ही सवाल है, पैसा गया है भाजपा के पास, अरेस्ट किया है केजरीवाल जी को, इसका जवाब तो भाजपा को, जनता को देना पड़ेगा। 2024 का चुनाव इसी पे खेला जाएगा कि पैसा गया भाजपा को, अरेस्ट किया केजरीवाल को।